हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं JBM ऑटो लिमिटेड से लेके। आज कंपनी के रिजल्ट आए हैं, साथ में यहाँ पर एक स्प्लिट भी मिलता हुआ नजर आया। फेस वैल्यू 2 की है तो 1 की फेस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, जब मतलब 1:1 में यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो आधा प्राइस तो वैसे ही आ जाएगा जो भी यहाँ पर प्राइस चल रहा होगा एट द टाइम ऑफ जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर डेट होगी। मैं उससे लेकिन यहाँ पर बातें करूंगा आज, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे यहाँ पर JBM ऑटो से लेके प्लस में इसके चार्ट यहाँ पर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर बात करेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पर फोकस करना है। सीखने के लिए यहाँ पर आपको वीडियोज बनाई जाती है, जाके वीडियोज देखिए, काफी सारी नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी। बट 8 मिनट की वीडियो में पूरी बातें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, तो इसलिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च कर रखा है जहाँ पर बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, किस तरीके से चीजें चलती हुई नजर आती है, ठीक है, कब आपको प्रॉफिट भी बुक करना है, कब आपको यहाँ पर चीजों में बने भी रहना है, वो सब चीजों से रिलेटेड हम बातें करेंगे। 25,000 रुपये कोर्स है, बट अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है तो इस पर्टिकुलर वीक तक, ठीक है ना, संडे तक यहाँ पर ये इस कोर्स की कीमत 15,000 रुपये, जो भी यहाँ पर एनरोल कर लेगा 15,000 रुपये दीजिए। 1-to-1 क्लासेस में यहाँ पर आप मुझे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर साथ में एक काम भी करना है तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर नंबरों पे यहाँ पर नोट करके काम कर सकते हैं। और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 रुपये होने वाली है, तो आप यहाँ पर पहले ही ज्वाइन करके सीख सकते हैं ताकि आप एक हैवी फीस से यहाँ पर बच सके। तो आगे बढ़ते हैं, JBM ऑटो लिमिटेड की हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अभी मैंने एक वीडियो बनाई है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, मैंने आपको बताया कि इतने अच्छे रिजल्ट आए बट शेयर नहीं भाग रहा है। क्यों नहीं भाग रहा, उसके पीछे का रीजन बताया, ठीक है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा JBM ऑटो की जब बात करूँ तो सेम बिजनेस मॉडल है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे JBM इज द ऑटोमोटिव बिजनेस दैट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स शीट मेटल कंपोनेंट टूल्स डाइज मॉड्यूल्स एंड बसेस इंक्लूडिंग सेल और स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। तो हम बात करें तो ई बसेस बनाती हुई नजर आती है, आप दिल्ली और NCR में चलोगे तो आपको JBM ऑटो की बहुत सारी बसेस यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टूल्स डाइज एंड मॉड्यूल्स और इसकी शीट्स वगैरह ये बनाते हुए नजर आते हैं। इसका बिजनेस मॉडल का अगर रेवेन्यू का ब्रेकअप आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप इनका रेवेन्यू भी देख सकते हैं कि कंपोनेंट वाइज ये किस तरीके से यहाँ पर काम करते हुए नजर नजर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको एक आइडिया देते हुए नजर आएगा। साथ में एक्सपेंशन का जो इनका प्लान है, ठीक है, जैसे कि मैं बात कह रहा हूँ दिल्ली NCR में इनकी बसेस काफी सारी यहाँ पर चलती हुई नजर आती है, मैंने खुद तो यहाँ पर देखी है, बैठे भी है, अच्छी बसेस है। तो यहाँ पर हम बात करें क्लाइंट की बात करें तो अशोक लेलैंड, यहाँ पर डैमलर, निसान, रेनॉल्ट्स, यहाँ पर FCA, फोर्ड, टोयोटा, होंडा, टाटा, होंडा, एस्कॉर्ट, महिंद्रा, फोर्स मोटर्स है ना, यहाँ पर टैफ एक्सेट्रा, यहाँ पर इनके क्या क्लाइंट है, मतलब इनके लिए भी शायद ये बस बनाते हैं या ये पर्टिकुलर जो ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट है वो शायद देते हुए नजर आते हैं। ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक यहाँ पर फाइनेंशियल एज ऑफ फाइनेंशियल 24 ऑर्डर बुक बहुत बेहतरीन है, 45,000 करोड़ रुपीज के आसपास की यहाँ पर ऑर्डर बुक है, विच हैज ग्रोन एट द रेट ऑफ 21% CAGR इन द पास्ट ईयर्स। तो हम बात करें पिछले 5 साल में ये कंपनी 21% के CAGR से बढ़ी है। 21% का CAGR एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा CAGR माना जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं JBM एंड इट्स सब्सिडियरी सिक्योर ऑर्डर ऑफ नियरली 6,390 इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम वेरियस स्टेट। तो यहाँ पर वेरियस स्टेट से यहाँ पर लगभग 6,390 इलेक्ट्रिक बसों का यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, ठीक है। यहाँ पर ये शायद अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर ओल्ड हो सकता है, यहाँ पर आप देख रहे हो 4 वीक्स पहले यहाँ पर ये अपडेट हुआ था, तो अभी इसके रिजल्ट आए, ठीक है। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर इनकी एनुअल रिपोर्ट आएगी, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन नोट्स आते हुए दिखाई देंगे तो वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा एक आइडिया लगता हुआ नजर आ जाएगा कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर क्या ऑर्डर बुक है, क्या यहाँ पर सारी चीजें, तो आप जाके एक बार देखिएगा तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एक आइडिया लग जाएगा। इनकी वेबसाइट पर भी विजिट करिएगा ताकि आपको इनके प्रोडक्ट्स और सब चीजों से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप भी चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो बिजनेसेस जो यहाँ पर आप देखिए ऑटो कंपोनेंट एंड सिस्टम, जो ऑटो एंसिलरीज प्रोडक्ट्स एक तरीके से कह सकते हैं जो बनाते हुए नजर आते हैं, बसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईवी एग्रीगेट्स, यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद ये बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, रिन्यूएबल्स में ये कंपनी जाती हुई नजर आ रही है। तो ये सारी ऐसे चीजों में जाती हुई नजर आ रही है जो कि 5-10 साल का जिनका विजन है, क्योंकि 5-10 साल बाद या इलेक्ट्रिक की चीजें होंगी, सोलर पे ही काम होना है, ठीक है,
कोई कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर हम बाहर से सऊदी से रशिया से यहाँ पर क्रूड ऑयल को यहाँ पर परचेज करें, या तो न्यूक्लियर यहाँ पर पावर पे जाएंगे या फिर हम ग्रीन पावर पे जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी से ही रिन्यूएबल हो या फिर जितने भी ईवी के शेयर हो ऑलरेडी प्राइजिंग होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे के आगे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट ग्रोथ स्टोरी और भी आगे है, क्योंकि अभी मार्केट कैप थोड़ा सा ही कैप्चर हुआ, धीरे धीरे वो मार्केट कैप्चर होगा तो वो सीधे भी यहाँ पर समझ में आती है, नजर आएगी। मार्केट कैप की बात करें 17,810 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, तो स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखूंगा। जो मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ तो याद रखिएगा दो चीज हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, स्मॉल कैप इन्वेस्टर इसलिए चाइना का नाम दिया। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज दूसरी चीज इस चीज को याद रखिएगा, चार्ट को जब देखोगे कि जब चीजें भागती है, ठीक है ना, तो इस तरीके से भागती है कि 4700 रुपए वाली चीज आपका कब 2200-2300 रुपए तक पहुंचा आपको खुद नहीं पता चलेगी। बट जब चीज गिरेगी तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि यहाँ पर 2200 रुपए वाला शेयर कब 1000 रुपए पे आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। 50-60-70% आपके ने जो कमाए होंगे वो आपके निकालते हुए नजर आ जाएंगे। और ऐसी गिरावट पहली बार नहीं, बार बार होती हुई नजर आई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर पीरियड में हुई है, यहाँ पर हुई है, यहाँ पर भी होती हुई नजर आ रही है, और इस बार थोड़ी सी सीवर होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देखोगे 240 से एक बार तो शेयर यहाँ पर 60 रुपए के आसपास, 40 रुपए के आसपास भी आता हुआ नजर आया कोविड के टाइम में, तो वो गिरावट भी यहाँ पर होती हुई नजर आती है। और ये भी देखिएगा कि जब कंसोलिडेशन में जाती है चीजें तो सालों तक कंसोलिडेशन में जाती है, इस चीज को भी याद रखिएगा। बट अभी बिजनेस मॉडल अलग है, उस टाइम शायद ईवी का इतना था नहीं, अभी ईवी का यहाँ पर विस्तार है तो उसके यहाँ पर चीजें यहाँ पर चल रही है। बात करें स्टॉक के पी की तो 95 का, इंडस्ट्री का पी 30 का, तो यहाँ पर हम बात करें जब 95 का है, इलेक्ट्रा का 118 के आसपास का था, ठीक है, कुछ टाइम पहले इसका भी 110 के आसपास था, ये शेयर लगातार गिर रहा है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इसका 95 चलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी भी ये शेयर बहुत महंगा है, याद रखिए बड़ा पैसा कब बनता है, बड़ा पैसा तब बनता है जब आप 5 के PE वाली चीजें या 10 के PE वाली चीजें लेते हो, वो PE 5 का 50 होता है, ठीक है, या फिर 10 का PE यहाँ पर 100 होता है या 50 होता है, ठीक है, या 20 का PE यहाँ पर 40 होता है 50 होता है, तब पैसे डबल ट्रिपल 4 गुना होते हुए नजर आते हैं। ऐसा कोई स्टॉक्स नहीं है जो 100 का PE है और वो यहाँ पर 500 का PE हो जाएगा। अगर वो 500 का PE हो रहा है तो याद रखिए कहीं ना कहीं वहां पर फ्रॉड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टॉक देखे जिनका पी, अभी मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका पी 500 भी है बट मैं इनके नंबर्स पे देखता हूँ तो 0-0 सेल्स दिखाता है। तो वहां पर ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, वहां पर तो पैसे आपके बनने ही नहीं है, तो आपको बड़े सोच समझ के अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ऐसी चीजें खरीदनी पड़ेगी जिनका पी बहुत कम है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, प्लस में यहाँ पर पी की बात करें तो 5 का 10 का PE आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ऐसे शेयरों में पैसे लगाते हैं, उधर 2-4-5 साल देते हैं, तो वहां पर जब पी का एक्सपेंशन होगा, सारा कंपनी यहाँ पर अच्छा काम कर धीरे धीरे करेगी और जो कर भी रही है तो उस टाइम यहाँ पर एक्सपेंशन होगा तो वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, बड़े लोग वहीं पर ही आएंगे, वहीं पर ही पैसे लगाएंगे क्योंकि उन्हें भी कमाना है, और आप भी वहां पर लेके रखे रहोगे पोजीशन तो आपके पैसे बनते हुए नजर आएंगे। तो पीई का खेल बहुत बढ़िया है। बट जब स्विंग की बात करते हैं तो स्विंग में यहाँ पर हम पी वगैरह नहीं देखते, फिर हम थोड़ा सा अलग व्यू जाते हैं, तो इसलिए आपको दिखाई, अगर आपका व्यू छोटा है तो अलग तरीके से, आपका व्यू बड़ा है तो आपको अलग तरीके से, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। आरओसी आरओई की बात करें तो कुछ खास नहीं है पर ठीक है, इलेक्ट्रा से तो काफी बेहतरीन है। बात करें और चीज की, सेल्स ग्रोथ 27%, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33%, डिविडेंड ना के बराबर देती है, 2 का फेस वैल्यू है जो कि अभी यहाँ पर स्प्लिट की भी न्यूज आ गई है तो 1 का फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 2400 का हाई बनाया था, 1500 रुपये शेयर चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 52 वीक हाई जहाँ 2400 था, अब धीरे धीरे करके आ गया, तो यहाँ पर शेयर लगभग 40%-30% तो ऊपर से ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। और जिस तरीके से मेरे को नजर आ रहा है कि यहाँ पर से और गिर सकता है तो उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर देखिए 14 की है, मतलब 104 की जो बुक वैल्यू है वो यहाँ 1500 का शेयर चल रहा है। तो जो ईवी की स्टोरी है, ठीक है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरी है या जो भी स्टोरी है, ठीक है, उसको ऑलरेडी प्राइजिंग कर लिया है। मार्केट क्या करती है, मार्केट ऑलरेडी चीजों को पहले ही प्राइजिंग करके चलती है। अगर उन्हें लग रहा है कि ये आगे जाएगी, ठीक है, तो वो 10-5 साल की वैल्यू पहले ही दे देती है, ठीक है, चलो पहले ही भगा देते हैं शेयर को, अच्छा खासा वो चीज शेयर भाग जाता है। फिर यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर कुछ रहता नहीं है, पहले ही कहते हैं ना कि जूस निकाल दिया, और जूस निकालने के बाद क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लॉन्ग टर्म का व्यू है, ठीक है, चीजों को नीचे आने दीजिए, जब नीचे आ जाएगी उस टाइम एक्युमुलेशन करिएगा, तब
टाइम दीजिएगा 4-5 साल 10 साल तक, यहाँ पर चीजें अलग से काम करती रहेगी। अब थोड़ा सेल्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्स है, जब हम देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कंपनी की सेल्स अच्छी खासी लगातार बढ़ी है, ठीक है, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर देखिए कि सेल्स सितंबर 2023 से अभी तक लगभग 1 साल हो चुका है, ठीक है, 5 क्वार्टर की सेल्स देखोगे तो एक फ्लैट सेल आती हुई नजर आई है, ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर नहीं आया कि यहाँ पर कुछ होता हुआ नजर आए, ठीक है। साथ में प्रॉफिट भी देखोगे तो यहाँ पर एक इनलाइन प्रॉफिट चलता हुआ नजर आ रहा है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी चल रहा है, सेम एज इट इज ईपीएस यहाँ पर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। तो एज सच यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि ओलेक्ट्रा के नंबर आए थे, ठीक है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, बट वहां पर ही मैंने क्रोनोलॉजी समझा दी कि वहां पर अलग भी अलग तरीका है। यहाँ पर हम देखें यहाँ पर अलग चीजें दिखाई देती है, और यहाँ पर मुझे अभी आने वाले 2 क्वार्टर के रिजल्ट और ज्यादा डाइसी नजर आते हैं, ठीक है, और शायद एक आध क्वार्टर के रिजल्ट और बेकार आते हैं, तो चीजें और ज्यादा नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। तो हम चार्ट पे यहाँ पर बात करेंगे, नंबर की बात करें, नंबर मुझे ठीक नहीं लगे, ठीक है, फ्लैट रिजल्ट है, ठीक है, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आया, ठीक है। तेजी अगर होनी थी इस पर्टिकुलर शेयर में तो ये शेयर के रिजल्ट लगभग 2:30 बजे के आसपास आए थे, 2:30 बजे से आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लूँ तो आपको समझ में आएगा कि 2:30 बजे जब यहाँ पर इसके एक बार रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए थे तो एक बार शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट याद रखिए वहां पर भी यहाँ पर बिकवाली आती हुई नजर आई और वॉल्यूम के साथ में बिकवाली आई है। तो चीजें मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर चीजें बाजार को पसंद आती तो ऑलरेडी ये उसे भगा चुके होते, बट बाजार को पसंद नहीं आया इसलिए यहाँ पर चीजें नीचे। थोड़ा सा और बात करते हैं, ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें, ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी की धीरे धीरे यहाँ पर सुधरी है, अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, तो वो लॉन्ग टर्म की स्टोरी है, ठीक है, प्राइस इन ऑलरेडी हो गई है, चीजों को नीचे आना होगा। जब तक चीजें यहाँ पर 40-50 के पीई पर नहीं आएगी, 40-50 का ही बहुत महंगा मैंने बोल दिया है, मार्केट कभी क्रैश होती है और शेयर यहाँ पर 20 का पी आ जाता है, 10 का पी आ जाता है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू, बट अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू का अपॉर्चुनिटी बनाना यहाँ पर मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व्स यहाँ पर देखिए 1200 के आसपास के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें, बोरिंग यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, बोरिंग यहाँ पर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को, दो दो यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि 200-200 करोड़ रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट पे किए जा रही है, ठीक है, और अगर ऐसा ही रहा तो फिर ये नंबर जो अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आगे चल के किसी भी दिन यहाँ पर कंपनी की सेल्स थोड़ी सी कम आई, ठीक है, वहां पर कंपनी के रिजल्ट खराब हो जाएंगे, नेगेटिव में यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट आते हुए नजर आते हुए दिखाई दे जाएंगे, तो इस चीज को भी हमें यहाँ पर सोचना होगा समझना होगा। 75 करोड़ रुपीज वर्क इन प्रोग्रेस में, 77 करोड़ रुपीज का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, कैश की बात करें तो 116 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, पॉजिटिव कैश फ्लोज है, अच्छी बात है। साथ में बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है 67% के आसपास है, प्रमोटर का रीजन अलग है, प्रमोटर की कंपनी है उसे यहाँ पर सैलरी मिलती है, ठीक है, सब कुछ मिलता है तो उसे यहाँ पर मतलब नहीं रहता, चीजें यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेगी, 15% के हिसाब से भी बढ़ जाएगी इसके, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, आरओई 15% का दिखा रहा है, 16% का उसका यहाँ पर काम चल गया, बट आप इन्वेस्टर हो आपको अलग तरीके से यहाँ पर सोचना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो FIs की होल्डिंग यहाँ पर 3% के आसपास है, ठीक है, DIIs यहाँ पर है नहीं, पब्लिक की बात करें 29 है, बट 29 में भी देखोगे 15% के आसपास बड़े लोगों ने लेके रख रखी है, बाकी 15% है, ठीक है, जो यहाँ पर पब्लिक के पास है। और इस चीज को भी देखिए जो 2021 में 33,000 लोग थे वो अभी यहाँ पर 1,30,000 मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन यहाँ इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके ऑलरेडी बैठे हुए, ठीक है, तो चीजें इस चीज से भी यहाँ पर डिसाइड थोड़ी बहुत की जाती है, यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो इस चीज को भी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। बात करें यहाँ पर JBM की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब डिवीजन ऑफ शेयर का फेस वैल्यू का होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 2 की है तो 1 की होती हुई नजर आएगी, मतलब क्या है 1:1 में यहाँ पर आपको ये शेयर होता हुआ नजर आएगा स्प्लिट, जो कि 1500 का चल रहा है मान के चलिए, कल ही हो जाता है तो 1500 रुपए से सीधे 750 रुपए की यहाँ पर वैल्यू निकल के यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो डेट क्या है, डेट अभी आई नहीं है, आगे चल के यहाँ पर डेट भी आएगी, जब डेट आएगी तब हम एक बार उससे रिलेटेड बातें कर लेंगे, बट ऐसा अभी डेट आती हुई नजर नहीं आई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चार्ट से रिलेटेड बातें करते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को एक ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, बाइक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, नंबरों को नोट कर लीजिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, कोर्स को ज्वाइन करिए, 15,000 रुपए में अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है, 25,000 रुपए वाला कोर्स और 50,000 रुपए का हो जाएगा 1 साल 1 जनवरी 2025 से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चार्ट की बात करते हैं, तो देखिए ऑलरेडी मैंने जैसे कि बताया कि शेयर ऑलरेडी नीचे से अच्छा खासा भाग चुका है, जब शेयर 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाता है ना तो बड़े लोग भी क्या करते हैं,
मैं मुकुल महावीर अग्रवाल सर का यहाँ पर पोर्टफोलियो देख रहा था, बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर है, ठीक है, अच्छे खासे पैसे बने, चुपचाप शिफ्ट होगा। अभी जब गिरावट हुई थी ना तो उनका पोर्टफोलियो 4-5% नीचे था, और हम सबका और भी दूसरे बड़े बड़े लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो 20-25-50% तक नीचे था, बट हम लोग का भी पोर्टफोलियो कुछ 16-17-18% तक नीचे था, ठीक है, शफल करने के बाद भी, बट स्टिल हम यहाँ पर देखे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शेयर ऑलरेडी 2-3 साल के अंदर अंदर बहुत मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, 10-10 गुना। जब पैसे बन जाते हैं, चीजें महंगी हो जाती है, तो चीजों को यहाँ पर समझ के, सोच के, समझ के लेनी चाहिए। चीजें क्या नजर आता है, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर सपोर्ट को ये तोड़ता है, ठीक है, बाद आज का जो लो है 14,070 का, अगर ये 14,070 का लो तोड़ता है तो याद रखिएगा चीजें नीचे आएगी धीरे धीरे, और 1,177 और 1,100 रुपए तक का यहाँ पर भाव आ सकता है, ठीक है। स्प्लिट की भी न्यूज है, तो स्प्लिट की वजह से फिर यहाँ पर और आधा होता हुआ नजर आएगा, वो एक अलग बात है, बट टी रेशो में तब तक चेंजेस नहीं होगी जब तक ये शेयर नीचे नहीं आएगा, तो इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगले क्वार्टर इस कंपनी के चैलेंज उससे भरे हुए हो सकते हैं, हाँ, कंपनी ने अच्छे खासे डिलीवरी कर दी बहुत ज्यादा, ठीक है, जहाँ पर अभी शायद जितनी भी बसेस का किया हो, ठीक है, उससे डबल का यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया जो इनके पास है, ठीक है, और अच्छा खासा है, तब यहाँ पर इनके प्रॉफिट में तेजी आती हुई नजर आएगी, तब शेयर भागता हुआ भी नजर आएगा। एज सच अभी या तो यहाँ पर मुझे लगता है कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन करके थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, और अगर ऊपर गया भी मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर दोबारा नीचे आता हुआ नजर आएगा। बट अभी की बात करें तो क्या ऐसे शेयरों में लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि पी रेशो बहुत ज्यादा महंगा है, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा महंगी है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का व्यू तो नहीं बनता, बट हाँ, शॉर्ट टर्म के व्यू से ऊपर नीचे हो सकता है, और चीजें एक बार यहाँ से टूटी तो चीजें और नीचे जा सकती है। मेन सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुका है, मेन सपोर्ट ये था 1660-70 के आसपास का, वो यहाँ पर टूट चुका है और टूट के यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। स्टेज 4 और 3 की बात करें, जैसे स्टेज 2 में चीजें ऊपर गई थी, ठीक है, धीरे धीरे करके गई थी, ऐसा नहीं कि 20-20, 50-50%, है ना, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, कभी नीचे कभी ऊपर करके, सेम एज इट इज यहाँ पर भी आप देखोगे डबल टॉप बनाने के बाद ये जो डबल टॉप का वो था ना वो तोड़ चुका है। सबसे पहली बात तो ये बड़ी नेगेटिव चीज है, देखो मैं आपको दूसरे चार्ट में भी दिखाना चाहूंगा अगर आप यहाँ पर टाइम है आपके पास, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, तो आप यहाँ पर देखोगे ना बहुत सारे यहाँ पर चार्ट देखना आपको चाहिए समझ में आएगी। एक देखिए यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। देखिए मल्टी बैगर रिटर्न दिया, शेयर 300 रुपए से 1600-1500 रुपए पे गया, ठीक है, लगभग 5 गुना पैसे हुए। 5 गुना पैसे होने के बाद क्या हुआ, 5 गुना पैसे होने के बाद एक डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद एक बार इसकी यहाँ पर से ये रिमूव कर देता हूँ, डबल टॉप बनने के बाद यहाँ पर इसका क्या था, एक सपोर्ट था, ठीक है, ये जैसे ही डबल टॉप बनने के बाद ये सपोर्ट टूटते हैं ना, ठीक है, मैं अपने कोर्स में ये सारी चीजें बताता हूँ, तो कभी आओगे तो समझाएंगे, ठीक है, ये चीज टूटती है तो देखिए यहाँ पर बार बार और फंसाने की कोशिश की थी, और जब ये टूट गई अच्छे से तो चीजें यहाँ पर वापस आई नहीं, ठीक है, अभी भी आप देखोगे ना धीरे 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 करके शेयर नीचे जा रही है, अब बॉटम बनाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर 50% से ज्यादा यहाँ पर टूट चुका है, ठीक है, बट ऐसे ही मैं स्मॉल कैप में बात कर रहा हूँ, तो स्मॉल कैप चीजें ऐसी चलती है ना, तो भागती भी ऐसी है और गिरती है तो गिरती भी ऐसी है, तो याद रखिए डबल टॉप का यहाँ पर वो टूट चुका है, मेन सपोर्ट टूट चुका है, और जब इस तरीके की चीज टूटती है मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मैं यहाँ पर रिस्क लेना ना टेक्निकल बेस पे चाहता हूँ और फंडामेंटल बेस पे, यहाँ पर 6 महीने 9 महीने तक यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला, शायद 1 साल भी यहाँ पर लग सकते हैं, तो चीजें यहाँ पर नीचे आई तो 1100, ठीक है, और चीजें नीचे आई तो यहाँ पर और नीचे आ सकता है। प्रमोटर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर चीजों को स्प्लिट करके या फिर जो भी करके यहाँ पर प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अट्रैक्टिव लगे, वो अब ओल्ड स्टोरी हो चुकी है, थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा, ऑलरेडी चीजें यहाँ पर अलग तरीके से बिहेव कर रही है, बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे शेयरों में यहाँ पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको भी उसी तरीके से आपको सोचना होगा, तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ कुछ स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, समझना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना है, नंबरों को नोट करके क्लासेस कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर काम कर सकते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर।